ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर का, जहां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर में भी सीएए और एनआरसी और एनपीआर के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस और वामपंथी दलों के विरोध के बाद शहर के मुस्लिम समाज ने आज फूलबाग पर एक दिवसीय धरना देकर अपना विरोध दर्ज किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने रोजा रखकर 3 वक्त का नमाज भी धरना स्थल पर पढ़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक विरोध लगातार जारी रहेगा। पूरे मुल्क में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में जबरदस्त तरीके से जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं इस काले कानून के विरोध में। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने यहां पर सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का धरना हमारा है। ये धरना भूख हड़ताल के नाम पर है, इसलिए हम सब लोग यहां पर रोज़ा रखकर बैठे हुए हैं। ज़ोहर की नमाज़ अभी अदा हुई, पहले रोज़ा खुलेगा और रोज़ा खुलने के वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह उसे कबूल करता है। तो इसलिए आज हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इस काले कानून के लिए दुआ करेंगे, मुल्क में अमन, चैन, सुकून, शांति, उन्नति, तरक्की के लिए भी दुआ करेंगे।